हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। तो आज मैं बना रही हूँ खाजा। कोई खाजा बोलते हैं, कोई गुजिया बोलते हैं, पता नहीं। मैंने ये पार्टी का माप का सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज़ ऐसा आ रहा है। तो मैंने 1.5 कप जितना मैदा ले लिया, तो इसमें कुछ ऐड नहीं किया। और अभी चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले शक्कर ले लेंगे। तो मैं 1.5 कप जितना चीनी और 1.5 कप जितना पानी, बहुत ज़्यादा मीठा या गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, मतलब मीठा होना चाहिए वही सबसे। तो जितना चीनी लिया उतना पानी ले लेंगे, 1.5 कप जितना पानी। अरे चाशनी बांधने के लिए इसको गैस पे चढ़ा देंगे। गैस को मैंने स्लो ही रखा, थोड़ा स्लो पे होने देते हैं। और इसमें थोड़ा सा अपना साधनों से थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा नमक और घी। घी थोड़ा जम गया है तो पहले घी को पिघला लेते हैं, फिर आप लोगों को। घी को मैंने गरम कर लिया, पिघला लिया, अभी इसको ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने 1.5 पार्टी जितना मैदा लिया तो हिसाब से मैं 3-4 चम्मच जितना घी ऐड कर लिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, मिक्स जब हो जाए ऐसा मुट्ठी करे तो आटा इस तरह से मुट्ठी में रह जाए, तो वही हिसाब से घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा भी नहीं, बेकिंग पाउडर भी नहीं, थोड़ा सा इनो। आप लोगों को मैं हाथ से दिखा देती हूँ, एकदम थोड़ा सा, ये फूकने का जैसा ऐसा कुछ काम नहीं है। तो इनो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे, ये हो गया। और आटे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, अपने हिसाब से जैसा बेल सकते वो हिसाब से आटा को रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे क्योंकि घी है ना, तो पानी आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाए। देखिए आटा हो गया है, 10-15 मिनट हो गया। और एक चीज़ मैं बोलने को भूल गई, ये मैदा है, मैं आटा आटा बोल रही हूँ, ये मैदा है। मैदा भी एकदम रेडी हो गया, अभी इसका ना डो बना लेंगे। इधर तेल गरम करने को रख दिया, इधर चाशनी रेडी हो रहा है, सबसे पहले इसको डो बना लेते हैं। इसको मोटे मोटे रखना है, ज़्यादा कुछ ऐसा गोल बिल बनाना नहीं है, इसका लेयर बनाना ज़रूरी है, तो इसको लेयर बना लेते हैं। प्रेस करके मैंने काट लिया, फिर भी तेल में डालने के बाद थोड़ा बहुत तो खुलता ही है, तो ज़्यादा मोटे मोटे नहीं, मैं पतला पतला काट लेगा। इसको साइज कर देते हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं, छोटे छोटे पतले पतले करेंगे तो जल्दी तेल में फ्राई हो जाएगा। इस तरह से मैंने काट लिया, ये जो थोड़ा बहुत रह जा रहा है इसको मैं बाद में हाथ से सेव दे दूँगी। इस तरह से काट लिया, इसको थोड़ा बहुत हाथ से प्रेस कर देंगे, ये एकदम बराबर है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा, इसको भी निकाल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, कि तेल गर्म होने के बाद फिर जब डालेंगे स्लो गैस पे इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया, अभी इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस को मैंने एकदम स्लो रखा, नहीं तो ऊपर से पक जाएगा अंदर से पकेगा नहीं, इसीलिए गैस को एकदम स्लो रखा मैंने।
कि अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पकने के बाद अच्छे से साइज में बड़ा हो जाएगा। तो पहले एक साइड होने देते हैं, दो मिनट के बाद उसको पलटी करेंगे। इससे लाल हो रहा है एक साइड, अभी पलटी कर देंगे इसको अच्छे से, और गैस को स्लो रख के एकदम लाल करके फ्राई कर देंगे। चाशनी भी रेडी हो गया। इसको बहुत ज़्यादा एकदम वो गुलाब जामुन या दूसरी चीज़ें में जैसे एकदम चिपचिपा सा स्टिकी सा ये बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जस्ट इसको मीडियम सा चाशनी हो जाना चाहिए। अब ये बराबर है, चाशनी को अभी गैस ऑफ कर देंगे और ये तब तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। वैसे अच्छे से फ्राई हो गया, मैंने एकदम स्लो गैस पे किया, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया। इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, अभी इसको निकाल लेंगे। मैंने छोटे छोटे पीसेस किया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इधर चाशनी को भी मैंने मतलब कढ़ाई में डाल दिया कि जल्दी ठंडा हो जाए। अभी ये ठंडा हो गया, ये भी दो मिनट में ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसको इसमें चाशनी में डाल दिया। अभी इसमें डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट रहने देंगे कि थोड़ा सा चीनी इसमें ऑब्जॉर्व हो जाए। तो नॉर्मल होने के लिए 5 मिनट होने देंगे कि इसका चीनी का जो रस है इसके अंदर चला जाए। तो ये 5 मिनट हो गया, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि गर्म है ना, तो मैं चम्मच से पहले निकाल लूँगी, क्योंकि पूरा टाइम इसमें डाल के रख रही है तो पान इसको रस जो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेंगे। इसको थोड़ा सेट होने देते हैं, फिर मैं प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखा। बना लिया और चाशनी में से निकाल भी लिया। देखिए मैंने प्लेट इस तरह से सजाया है, आइस तो खाने के लिए बहुत घाई है उसको। और आइस ने जब मैं बनाया तो बैठ के ये बनाया, ऐसा दिखता नहीं है। अच्छा, जय हिंद। अच्छा, चल खा के बता कैसे। चिप चिप करेगा साइड से। कैसा है? वाओ, अभी हम लोग खाएंगे सर्कल वाला। देखो अच्छा लगा। तो गाइस आप लोगों का अगर रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसे जो अंदर का आटा है ना, अंदर का आटा बहुत सॉफ्ट है, कड़क है। कमेंट कर दो, कवर किए तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट नहीं करना क्यों, क्या बता, मैं सपोर्ट करूं उसका सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बाय।